दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर कुछ बड़े बदलावों के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया के अंदर बदलाव को लेकर। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि शिक्षक भर्तियों को कराए जाने के लिए नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से नया ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर लिया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम शिक्षक भर्तियों के लिए जिस नए ड्राफ्ट को लेकर आप इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार समाप्त हो गया है और नया ड्राफ्ट बनकर तैयार कर दिया गया है। चाहे वो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए हो, या फिर टीजीटी पीजीटी के बारे में, या फिर जो भी शिक्षक भर्ती होगी नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से, जिसके माध्यम से बेसिक से लेकर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी या फिर तमाम जो भर्तियां वो की जाएंगी। अब इस ड्राफ्ट के माध्यम से शिक्षक भर्तियों के अंदर कई बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। सरकार ने पहले भी एक नया ड्राफ्ट, मतलब पुराना ड्राफ्ट बनाया था, उस ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो क्लियर नहीं की थी, जिसके चलते सरकार के माध्यम से नए ड्राफ्ट को बनाए जाने को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके संबंध में इस कमेटी का गठन भी किया गया था, आप सभी ने देखा होगा। अब इस कमेटी के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर ड्राफ्ट बना लिया गया है और इसकी जानकारी आप सभी को आज के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली थी कि शिक्षा सेवा आयोग का नया ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। नए ड्राफ्ट तैयार हो जाने के बाद में अब इस ड्राफ्ट के अंदर कौन कौन से शिक्षक भर्तियों को लेकर बदलाव होंगे, वो आप सभी को अवश्य जानने चाहिए अगर आप प्राइमरी टीजीटी या किसी भी भर्ती के अंदर उत्तर प्रदेश में बैठना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ बदलावों के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे वो प्राइमरी टीचर वैकेंसी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले जो प्राइमरी टीचर वैकेंसी निकाली जाती थी, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाती थी, उसके अंदर एक बेसिक फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलता था और वो फॉर्मूला आप सभी को देखने के लिए मिलता था, अगर बात की जाए 60% आप सभी का सुपर टीईटी, जिसको एसटीईटी के नाम से जानते हैं, और अगर बात की जाए 40% आपकी अकेडमिक देखने के लिए मिलती थी। अब ये जो अकेडमिक होती थी 40%, इसको लेकर बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को तो फायदा होता है, लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। उसकी वजह यह है कि पुराने समय में जो अभ्यर्थी बीएड करते थे उनकी अकेडमिक काफ़ी ज़्यादा कम रहती थी, जिसके चलते यहाँ पे जब शिक्षक भर्तियों में अकेडमिक जोड़ी जाने लगी तो उससे कहीं ना कहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थी पिछड़ जाते थे। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में ज़्यादातर जो अभ्यर्थी पास हुए बीएड करने वाले अभ्यर्थी हुए हैं, और अगर कम अकेडमिक का विवाद वहाँ पर नहीं होता तो 69,000 में से 60,000 या 65,000 बीएड करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाते। इस बात को कहने में कोई दोराय नहीं है, क्योंकि अकेडमिक के बेस पर बीटीसी वाले अभ्यर्थियों की मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, लेकिन सुपर टीईटी के अंदर 60% नंबर जोड़े जाते हैं, ज़्यादातर अभ्यर्थी 120 या 115 नंबर ही ला पाते हैं। लेकिन वर्तमान में शिक्षक भर्तियों के अंदर कुछ बदलाव भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये जो आप सभी को नियम देखने के लिए मिलता था वो पीएनपी के माध्यम से होता था। अब नए शिक्षा सेवा आयोग के आने से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल देखने के लिए मिलता है यूपी टीईटी को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी को लेकर चर्चाएं आपके सामने देखने के लिए मिलती हैं कि 1/4 अंक यूपी टीईटी का जोड़ा जा सकता है, मतलब कि 25% अंक यूपी टीईटी के जोड़े जा सकते हैं। अब यूपी टीईटी को लेकर जब बात आती है तो अभ्यर्थियों के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि यूपी टीईटी के अगर 1/4 अंक जोड़े जाएंगे तो अकेडमिक का क्या होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे यूपी टीईटी के अगर 1/4 अंक जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे अकेडमिक या फिर सुपर टीईटी के अंदर कोई तो बदलाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पहले से ही प्रदेश के अंदर 60% आप सभी को सुपर टीईटी देखने के लिए मिलता है और 40% होता है अकेडमिक का। अब 25% और जोड़ा जाएगा तो बाकी का 75% कहाँ से लिया जाएगा, यही सवाल जानने वाला है। लेकिन कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि ये पूरे तरीके से अफवाह है, 1/4 नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि 1/4 जोड़े जाने को लेकर जब पुराना ड्राफ्ट बनाया गया था तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था। इस ड्राफ्ट में मंजूरी इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि उस समय सरकार आयोग बनाने के मन में ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दी नहीं थी, जैसे कि वर्तमान में है। तो उसमें यूपी टीईटी और सीटेट के अंदर 1/4 मतलब कि 25% अंक जोड़े जाने की बात कही गई थी। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ था कि अभ्यर्थियों को मेरिट का भी अंक निर्धारित करके चयन किया जाएगा।
अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी मेरिट को जोड़ देते हैं अकेडमिक से। कुछ छात्रों का कहना ये होता है कि जो मेरिट का नाम लिखा हुआ है वो ये है कि यहाँ पे जो अकेडमिक मेरिट है उसको जोड़ा जाएगा और प्लस टीईटी को जोड़ा जाएगा और फिर आपकी भर्ती होगी। अब जब यहाँ पे टीईटी और अकेडमिक को जोड़ा जाएगा तो सुपर टीईटी को लेकर सवाल खड़े होंगे कि सुपर टीईटी होगा कि नहीं होगा। हालांकि आप जानते हैं कि सुपर टीईटी को लेकर सरकार की जो मंशा थी वो ये थी कि टीईटी के बाद में जो भी सुपर टीईटी पास करेंगे वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा योग्य अभ्यर्थी आएंगे। इसी वजह से सरकार की तरफ से सुपर टीईटी को लागू किया गया था। जब 20वां संशोधन हुआ था तो कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई और उन्होंने कहा कि टीईटी होने के बाद में एक और एक्स्ट्रा सुपर टीईटी परीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं है। तो कोर्ट के अंदर सरकार ने कहा कि टीईटी के बाद में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा योग्य शिक्षक हमें मिले, इसीलिए हमने सुपर टीईटी को इंट्रोड्यूस किया है। तो इस बात को कोर्ट ने मान लिया था। कोर्ट के मानने के बाद से इस बात पे मोहर लग गई थी कि सुपर टीईटी के माध्यम से शिक्षक भर्ती होंगी और उसी के आधार पे आपकी 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए पुराने आयोग के ड्राफ्ट के अंदर इस बात को लेकर बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गोलमोल कर दी गई थी, जैसे कि अकेडमिक को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया था। अगर आप इस लाइन को अकेडमिक से जोड़ लेते हैं तो फिर सुपर टीईटी को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर आप नीचे वाली लाइन को सुपर टीईटी से जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अकेडमिक को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ छात्रों का कहना होता है कि अकेडमिक खत्म होगी और कुछ छात्रों का कहना होता है कि सुपर टीईटी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप ऊपर वाली लाइन को बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया था कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए आप सभी का जो चयन देखने के लिए मिलेगा वो अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि और सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं, मतलब यहाँ पे एक लिखित परीक्षा भी होगी और साथ में आप सभी के केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा होने वाली टीईटी परीक्षा के 1/4 अंकों को जोड़ा जाएगा। तो ऊपर वाली लाइन के अंदर तो साफ साफ लिखा हुआ है लिखित परीक्षा जिसको आप सुपर टीईटी के नाम से जानते हैं वो सुपर टीईटी खत्म नहीं होगा, सुपर टीईटी के माध्यम से ही शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जब आप नीचे वाली लाइन में आते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ऊपर वाली लाइन के आधार पे कि 1/4 टीईटी का अंक प्लस अभ्यर्थियों के मेरिट अंक निर्धारित करके चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है कि अकेडमिक को ख़त्म कर दिया जाएगा, सुपर टीईटी के माध्यम से भर्ती होगी, या फिर सुपर टीईटी और अकेडमिक को, मतलब टीईटी को जोड़कर भर्ती होगी या टीईटी अकेडमिक को जोड़कर भर्ती होगी। इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। सरकार के माध्यम से इस ड्राफ्ट को यहाँ पे दोबारा से रिविजिट करने को लेकर आदेश दिए गए और नया ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और जल्दी इस ड्राफ्ट को यहाँ पे पेश किया जाएगा। चुनाव के बाद कभी भी इस ड्राफ्ट को लेकर एक बैठक देखने के लिए मिलेगी जिसके अंदर तय होगा सुपर टीईटी को लेकर, एकेडमिक के बारे में और साथ ही साथ टीईटी को लेकर। लेकिन एक बात तो तय है, अगर पुराने ड्राफ्ट में हम एक चीज़ कॉमन देखें तो वो आपको देखने के लिए मिली थी टीईटी, मतलब कि टीईटी आपका सिर्फ क्वालिफाई नहीं होगा, इन फ्यूचर आप सभी का एज ए सिलेक्शन के रूप में काम आने वाला है। अगर ऐसा होता है तो सरकार कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए कर भी सकती है। उसकी वजह है टीईटी आजीवन हो जाने से कम अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन अगर टीईटी का नंबर जोड़े जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और इसका फायदा सरकार को होगा। और सरकार अपने फायदे के लिए क्या कुछ कर सकती मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यही वजह है कि शैक्षिक योग्यता को लेकर कुछ बड़े बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं, खासतौर पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में तो टीजीटी पीजीटी के अंदर इंटरव्यू को लागू किया जा सकता है। हालांकि ग्रुप सी की वैकेंसी के अंदर इंटरव्यू नहीं होते हैं, लेकिन नए शिक्षा सेवा आयोग के ड्राफ्ट के अंदर इस बात को भी क्लियर नहीं किया गया था कि सिर्फ टीजीटी में इंटरव्यू होगा या पीजीटी में होगा, क्योंकि टीजीटी का इंटरव्यू पहले ही खत्म कर दिया गया था पहला। दूसरा, यहाँ पे सामान्य अध्ययन की परीक्षा को जोड़ा जा सकता है, इस बात को लेकर भी उन्होंने पूरे तरीके से क्लियर नहीं किया था कि वो एलटी गेट में जोड़ी जाएगी या फिर टीजीटी पीजीटी में भी। यही वजह है कि आने वाले नए ड्राफ्ट के अंदर टीजीटी पीजीटी से लेकर प्राइमरी और एलटी गेट की शिक्षक भर्ती, इन सभी की चयन प्रक्रिया के अंदर व्यापक स्तर पर आपको बदलाव देखने के लिए मिलने वाले हैं।
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कमेटी के माध्यम से अपना ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर लिया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे इसको आप सभी के सामने रख दिया जाएगा। और उसके बाद जितने भी आपके सवाल हैं, चाहे वो सुपर टीईटी को लेकर हो, अकेडमिक के बारे में या फिर टीईटी के बारे में, वो सभी सवाल क्लियर होंगे और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ होगा। आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।